अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे जो है किसी ने कल वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि आपकी जो वीडियो होती है सुबह में वो बहुत यू नो लो एनर्जी से शुरू होती है। तो आज आई वेटेड कि मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ, बिस्किट को वॉक करा लूँ, पढ़ाई कर लूँ, फिर शुरू करूँ। जो जिस तरीके से उन्होंने ये बात कम्युनिकेट की हुई थी वो इतनी रिस्पेक्टफुल थी कि आपको दिल भी करता है कि आप किसी की यू नो ओपिनियन, एडवाइस, क्रिटिसिज्म इस तरीके से लें। सो दिस इज़ मी ट्राइंग टू बी एनर्जेटिक। अभी जो है कोई 11 बज रहे हैं सुबह के एंड मैं जैनब के साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। द शो इज़ एट 1 o'clock बट वी हैव टू बी देयर एट 12 और 12:30 टू पिक अप द टिकट्स। हम लोग व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट देख रहे हैं, जो सजल की नई मूवी आई है। इट्स अ हॉलीवुड मूवी एंड जमायमा खान ने लिखी है और उसमें सजल अली है, शबाना आजमी है और बहुत सारी अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। तो आई एम गेटिंग रियली लेट, मैं तैयार होती हूँ और फिर आप लोगों से बात होती है। ये वाला आउटफिट पहन रही हूँ जो मैंने एथनिक से उस दिन लिया था। हियर इज आवर स्लीपी गाय। हेलो मिस्टर, इट्स सो नाइस टू सी यू अप सो अर्ली। तुमसे पहले उठता हूँ उस व्हाट जी हमारी सारी यूट्यूब की आवाम को पता है कौन पहले उठता है। और ये देखें ये पूसू आ रहे बिस्किट को। हाय बुनी, हेलो मुत्ता डॉगी, हाय बिस्किट। बिस्किट उजड़ा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और बिस्किट गीला हो गया है बाहर वॉक से। यार बहुत तंग करता है बारिश में बैठ। लोगों को जल्दी से जरा मौसम भी दिखाते हैं खूबसूरत इस्लामाबाद का। ये देखिए जी, इट इज सो प्रिटी। जी गाइस, आई एम रेडी टू लीव। मुझे तो बाल ड्राई करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ज़ैनब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हेट हाउ पंक्चुअल शी इज। सो दिस इज माय आउटफिट, लेट्स गो। नो सनलाइट ग्लो अप टुडे क्योंकि धूप तो निकली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज एक बहुत ही ब्रॉन्जी सा ग्लैम किया है एंड लेट्स गो। अच्छा गाइस, सो फॉर एवरीवन दैट ड्राइव्स, आप लोग जो हैं दो तीन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। सबसे पहले तो ये कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप लोग जैसे ही गाड़ी में बैठें, ख़ास तौर पे लड़कियां, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लॉक योर कार, सेकंड वेयर योर सीट बेल्ट, तीसरा आयतल कुर्सी और सफ़र की दुआ पढ़ लें, चौथा डू नॉट यूज़ योर फ़ोन वाइल ड्राइविंग। मेरी लिटरली अभी स्पीड जो है वो 18 है और मैं अपनी गली में हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पब्लिक सर्विस मैसेज दे दूँ। आप लोगों से मॉल में मुलाकात होती है। हम आ चुके हैं सेंटोरस। इट इज़ 12:25, मूवी हमारी 1 बजे है। आई वॉज सपोज टू बी हेयर एट 12। आई एम प्राउड ऑफ जस्ट बींग 20 मिनट्स लेट। माई नगेट्स बिफोर द मूवी। ज़ैनब एवरीवन विद हर कॉफी, सुपर पंक्चुअल, अनोइंग। आई कुडन्ट इवन ड्राई माई हेयर बिकॉज ऑफ यू। मुझे इतना गिल्टी हो रहा था। हमें टिकट्स नहीं मिलती, ठीक है? This is the movie that we're watching. Let's go. You're so beautifully blending in all the red. Yeah. I didn't think to me shirt as a given a sweater pen out. But then it's so hot. I'm so excited. Pehle mujhe lag down the road to number 9. Except we call it 99. Zainab, what did you think Harry about the movie? So bad. I liked it. I don't know what was worse, the crowd or the movie. Yeah, the crowd was the absolute worst. That is true. It's cool. So my verdict on the movie: it was cute, funny, a little problematic, and a little stereotypical, but nice. It's a good watch. You guys should definitely watch it. Don't you think so, Zainab? Definitely, definitely is a strong word. Yes. Zainab clearly did not like it. I liked it. मैंने जरा बहुत ही रियलिस्टिक होके सोचती है चीज़ों को। पता चल रहा है कि जमायमा ने मूवी बनाई है। तो ना इट्स अ मूवी, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी प्रैक्टिकल। नॉट प्रैक्टिकल, बट इट वाज़न्ट इवन दैट रोमांटिक लाइक। क्या तुम्हें लिली एलन जो एक्ट्रेस थी ना, फॉर मी टू बी पैसेंजर प्रिंसेस व्हाइल ज़ैना पिक्स अप हर पासपोर्ट एंड होपफुली डजंट ड्राइव इनटू द पिलर। वी आर नॉट गोना ड्राइव इनटू द पिलर। ज़ैना लॉस्ट हर कार बाय द वे जस्ट फॉर 5 मिनट्स। Typical. Islamabad, the beautiful. Yes, I love the fact that it gets hot and then it rains and then it gets cold again. Oh yeah, I do not like summers. The Karachi girl in me does not like summers. The Karachi girl in me is actually quite okay with summers.
मैं एडजस्ट कर लेती हूँ. आई हैव अ रियली हार्ड टाइम एंड इट्स वेरी वेरी कोल्ड. अब बिल खुद देने पड़ते हैं ना, इसलिए समर नहीं अच्छा लगता. हाँ, हम भी अभी बेसमेंट से ऊपर वाले पोर्शन में आए हैं. लेट्स सी इस दफा वाला समर कैसा गुजरता है. हम लोगों ने ज़ैनब का पासपोर्ट ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गुड थिंग्स विच यू हैव हर्ड मी टॉक अबाउट अ लॉट. वो मुझे ज़ैनब ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिनकी हम लोग कुकीज खाते हैं. सो वी आर गोइंग टू, हम लोग उनका इंस्टाग्राम देख रहे थे एंड वी सॉ दैट देयर चिकन वॉलनट पेस्टो समथिंग सैंडविचेस वर अवेलेबल. तो हम लोग वो पिक करके पार्क में बैठ के खाएंगे बिकॉज द वेदर इज जस्ट सो ब्यूटिफुल. And I'm excited for their sandwich. I've never tried their chicken one. I've tried their beef sandwich and it is so good. Aur ab hum log chicken sandwich lenge and we will enjoy in the simplest way possible. So we have gotten our sandwiches and now we're going to, where are we going? Coffee Mystery to have coffee and our sandwiches. Oh my god, I wanted to go to Generation. I just cannot get over how beautiful and green Islamabad is. Mashallah, subhanallah. And this is our lunch spot. Very pretty. ये हमारा सैंडविच है और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है. So Zainab is just having half of it. And I think I will do the same because this bread just looks really extra. Zainab's hot coffee, my iced coffee, our cookie, and our sandwich that we are trying to have. Zainab bribing the cat who's not interested. Zainab is prince wali, I swear at the I don't think it wants bread. Zainab, it's good things bread. Oh, you just ruined the bread. अब हम लोग आए हैं जेनरेशन एंड बिफोर यू गाइस शॉपिंग शेम मी, ज़ैनब वांटेड टू कम नॉट मी. बाय. तुम्हारा सैंडविच है इसमें. ये देखें जी हमारी गोल्डी, सो एक्साइटेड. हेलो गोल्डी, कैची हो आप? कैची हो पालू? कहाँ थी आप इतने दिनों से? आज बारिश हुई है तो निकल के आ गई अपने हाइड आउट से. भाई मुझे तो वापस आके इतनी बुरी नींद आई, इतनी बुरी, लाइक इट्स सो अनयूजुअल बिकॉज नॉर्मली आई गेट अप अराउंड दिस टाइम, बट मुझे तो जैसे हौका नहीं होता नींद का, वो पड़ा और मैं सो गई. फिर अभी मैं उठी हूँ, बिस्किट को वॉक से लेके आई हूँ. बिस्किट को उसका मम्मा डेनमार्क से कोई ट्रीट टॉय लाई थी, वो थी, और मैं साथ अली की चिकन ग्रेट कर रही हूँ. ये मैंने मैरिनेट की हुई थी, बस अब ये ग्रिलिंग के लिए रेडी है. बिस्किट, ये क्या है? क्या दिया आपको? हैं, क्यों नहीं खेल रहे उसके साथ? आओ देखें क्या है. ये क्या है? ये क्या है? आओ, ये ग्रिल हो रही है, ये सेकंड बैच में जाएगी. ये भाई फुल जोरों पे ग्रिल हो रही है चिकन टू परफेक्शन. ऑल्सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैं इस मैरिनेट में क्या डालती हूँ. इट्स वेरी वेरी सिंपल, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, कलौंजी, नमक, काली मिर्च, दैट इज इट. अच्छा, सो अली की चिकन वगैरह बन गई थी एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू द जिम. मैंने खाई तो नहीं. तो तुमने क्यों नहीं खाई? तुमने तीन तो मेरा आधा सैंडविच जो खा गए थे खड़े खड़े. तो मैं अम्मा की वीडियो एडिट कर रही थी, इसकी चिकन चावल वगैरह सब बना के मैंने रखे हुए थे और ये बैठे बैठे मेरा आधा सैंडविच खा गया. पत्तों वाला. मैं अम्मा की पत्तों वाला सैंडविच रॉकेट था अली उसमें. मैं अम्मा की जो है कि कहते हैं वीडियो एडिट कर रही थी, उनको कोई फूड का पी आर आया था बड़े ही मजे का, तो उसको चखते चखते मैं आधा खा गई. सो आई वाज लाइक यू नो, मैंने इतनी कैलोरीज आया करी नहीं है तो मैं सैंडविच नहीं खाती. व्हाट आर यू ट्रेनिंग टुडे हैंडसम? बैक एंड बाइसेप. आई एम ट्रेनिंग लोअर बॉड. टच तो ना कराओ वैसी सर्दी. कोई सर्दी नहीं हो रही. अच्छा तो
In other news, guys, Ali aaj bahar gaya tha and Ali still did not get me flowers. That's literally the bare minimum you can expect. Listen, मेरे एक दोस्त के कुत्ते की हालत बहुत खराब थी, वेट के लगे गया था. कुछ लोगों के लिए सीरियस नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत सीरियस है. It's just like being there for a human in a hospital. TikTok तो बनाते हुए तुम्हें टाइम मिल गया चाय के ढाबे पे बैठ के. तो पहले फूल ले लेते मेरे. हम तो चाय के ढाबे पे स्पेशली रुके थे वो बनाने के लिए. गाइस, अली की ना आजकल Instagram और TikTok गेम बहुत स्ट्रांग हुई हुई है. सो इन केस यू डोंट already follow him, please follow Ali Hamza Baloch on Instagram. You will not regret it. Entertainment. Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well. रात में कुछ अजीब सी रात थी तो हम लोग बस थोड़ा फंसे रहे. फिर देर से आए अराउंड 3 AM घर. एंड देन आते आई जस्ट क्रैश्ड. आई वॉज इन माई जिम क्लोथ्स और मैं उन्हीं में सो गई. अभी जुम्मा है. जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी एंड देन मैंने गो टेक अ शावर, गेट रेडी. जुम्मे के लिए तैयार होते हैं और जोहर पढ़ते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं. इन अदर न्यूज़, दिस अगली लिटिल ज़िट केम आउट टुडे बट इज़ ओके. मैं नहा लिया है और एक्सट्रीम ठंडे पानी से नहाया है, बिकॉज़ बारिश हो रही है और गीज़र बंद हो गया और बारिश की वजह से ठंड हो रही है. तो मुझे नहीं पता पाइपें ठंडी हो जाती हैं क्या हो जाती हैं. जब ठंड होती है तो पानी एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है. सो मुझे अभी तक जो है ना चिल्स हो रहे हैं. एक क्विक सी 2 स्टेप स्किन केयर करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और मुझे अपनी क्लास लेनी है. वो भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में शुरू हो रही है. ठीक है. जो मैंने आउटफिट पहना भाई, ये खाड़ी का बहुत पुराना मेरा अनस्टिच्ड आउटफिट है. मैं आपको पूरा फुल लुक दिखाती हूँ उसका. ये आउटफिट है जी. ठीक है ना, इट्स अ वेरी प्रिटी मल्टी कलर्ड आउटफिट. और ये क्यूटी जो है नमाज पढ़ के आ गए, जुम्मा पढ़ के. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखो एक चीज़ ना, हेलो अमानी, अंदर अंदर अंडे अंडे. अच्छा जी, सबसे पहले जो है ये कोसा एक्स के पिंपल पैचेस हैं जो मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से ही मंगवाए थे. यू कैन सर्च देम ऑन इंस्टाग्राम. एक पिंपल पैच हम लोग अपने पिंपल पे लगाएंगे. ठीक है जी. ये हाइड्रोकोलोइड पैचेस होते हैं जो पिंपल से सारा जो है, एक तो आप हाथ नहीं लगाते तो पिंपल वो कंटेमिनेट नहीं होता. ये बेसिकली दाने को जो सुखा देते हैं. फिर उसके बाद वी हैव द ब्यूटी ऑफ जोसियन सीरम्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड देम बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद देम. ये ग्लो सीरम है जिसमें प्रोपोलिस और नायसिनमाइड है. मुझे जो है यही दो सीरम्स अभी मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया. यही दो सबसे अच्छे लगे, एक ग्लो सीरम और एक ग्लो डीप सीरम. ग्लो सीरम में नायसिनमाइड मेन इंग्रेडिएंट है और ग्लो डीप में अल्फा आर्बिटिन. वो मैं रात में यूज़ करती हूँ और अल्टरनेट करती हूँ विद माय रेटिनॉल. रेटिनॉल मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ सेरावी का रीसर्फिसिंग रेटिनॉल जो मैंने माय सप्लीमेंट्स एंड मोर से मंगवाया है ऑन इंस्टाग्राम. और ये जो है ये भी स्किन स्टोर पाकिस्तान से. हम लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं जिसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं. सो वी नॉट गोइंग इन विद अ सेपरेट मॉइस्चराइजर. ये भी स्किन स्टोर पाकिस्तान से एंड आई लव द सनस्क्रीन. माशाल्लाह माशाल्लाह. ठीक है जी, ये हमारी सनस्क्रीन हो गई एंड वे डन. जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर क्लास शुरू करते हैं. ये मेरी क्लास शुरू हो चुकी है. ठीक है ना. एंड आई हैव स्टिल नॉट प्रेड. जस्ट गोना लेट दिस रन व्हाइल आई प्रे. चलिए जी, मैंने नमाज पढ़ ली. मेरी क्लास चली रात 11 बजे तक. तो बीच बीच में ब्रेक्स होंगे तो आप लोगों से मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय. पफ, राइट? जस्ट वन पफ एट अ टाइम. एंड लेट द चाइल्ड टेक 5 to 6 breaths. एंड यू कैन काउंट अप बाय लुकिंग एट द मोमेंट ऑफ दिस वेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलें जी, हम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक मिला है क्लास से. तब तक मेरा कोई पैकेज आया है, वो खोल के देखते हैं व्हाट इट इज. गाइस, जो ऑल इन वन स्टोर था जहाँ से मैंने घर की चीज़ें मंगवाई थी, उन्होंने मेरे और अम्मा और अली के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं. इट सेज दैट
These gifts are just a token of appreciation to show how much we loved your work. So the video that I did, जो अम्मा को surprise करते हुए की थी, setting up their stuff and everything, उसके लिए हमने भिजवाए हैं. So I'm very excited because they have some pretty cool stuff. तो चलें देखते हैं क्या क्या आया. Okay, so we have a very cute cosmetic storage box jo jisme is tarah se space bani hui hai aur drawers hain. I'm not sure abhi main isme rakhungi kya, but very cute. My favorite chocolate. More presents. ये जी अली हमजा के लिए आया है वॉच ऑर्गेनाइजर. ही ऑलरेडी हैज समथिंग सिमिलर एंड ये बहुत हैंडी होता है, बहुत ज्यादा. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसके पास किस तरह का. लास्ट ये जो है अम्मा के लिए कुछ किचन की चीजें आई हैं, तो उनको बुला के देते हैं जरा. आपके लिए वही गिफ्ट आए हैं. हाँ, उस पे लिखा हुआ था फॉर अम्मा. वाकई ये पता नहीं क्या है. ओह, ये किचन की चीज है. हाँ, ये क्या है देखा, कटर है कोई. अच्छा, ये फ्रूट्स को गोल गोल काटने के लिए. अच्छा, सब अलग. हाँ, बैठे बैठे. कहाँ से आए ये? वो जहाँ से आपकी पहले नहीं चीजें मंगवाई थी मेरे किचन की. अच्छा, आपको सरप्राइज करने के लिए. हाँ हाँ हाँ. अच्छा दीदी, हम ना काटने के लिए. अरे हम ना को बुला. तो ये बने हुए ना गोल गोल. अच्छा, फ्रूट्स. लग तो पीला ही रहा है, डिफरेंट तरह का. डिफरेंट तरह. अच्छा, वो जैसे खीरा वीरा काट लो. मोर टोकरी. वाह, मोर टोकरी. मोर टोकरी. वाह, अच्छी क्वालिटी है इसकी. हाँ, इस कश्ती में रील वाले भी टाइप है ये. रील टोकरी नहीं, टोकरी हो गया तो बाजार हो गया. ये तो हमने अच्छी है. चिकन फ्राई खाए, फ्राइड चिकन. एक और आ गई वो फ्राइड. वाह, आपकी टोकरियाँ हो गई. जबरदस्त, आज हम इसका कर सकते थे इनका. आप इज्तमाई अम्मा बन गए हैं. चले जी, मैं जल्दी से अपने बाल ड्राई करूं. जो ऑल इन वन स्टोर के पेज का, इंस्टाग्राम पेज का और वेबसाइट का लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगी. लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी सरप्राइजिंग अम्मा वाली, जिसमें मैंने सारी चीज़ें इनसे मंगवाई थी और सब कुछ सेटअप किया था. तो यू गाइज नो, यू नो हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद देम एंड व्हाट अमेजिंग प्रोडक्ट्स दैट दे हैव. तो मैं लगा दूँगी एंड यू गाइज कैन चेक देम आउट इफ़ यू वांट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम देम. एक क्विक सा ग्लैम भी कर लेते हैं. लॉरा मर्सियर का टिंटेड मॉइस्चराइजर. अब मुझे जो है एक छोटा सा क्लिप बनाना है एक वीडियो के लिए, वो बनाऊं एंड देन गेट बैक टू माय क्लास. चले जी, वीडियो भी बन गई है. अब आई एम गोना गेट बैक टू माय क्लास और आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.